नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत के ऐसी योजना के बारे में जिसमें ये कहा गया है कि अगर मुखिया जी उस पर ठेकेदारी करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। बिहार को पंचायतों में अब एक नई सरकार का करीब करीब गठन हो ही गया है। वार्ड सचिव का चुनाव जारी है जिससे कि पंचायतों में विकास के कार्य में तेजी आ सके। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इस साल हुए पंचायत चुनाव में नए उम्मीदवारों को ज़्यादा जीत हुई है, तो वहीं युवाओं का भी ज़्यादा मौका मिला है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पंचायतों का प्रतिनिधित्व इस बार युवाओं के हाथों में होगी, तो विकास के कार्य में भी पहले से ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। बिहार सरकार ने पहले ही पंचायतों में सोलर लाइट लगाने की बात कह चुकी है, जिसकी जिम्मेवारी वार्ड सदस्यों को दी गई है। इधर पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में सोलर लाइट लगाकर कमाई करने की मंशा वाले पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए सरकार ने चेतावनी जारी कर दी है। इधर पंचायती राज विभाग ने साफ तौर पर निर्देश देते हुए कहा है कि सोलर लाइट लगवाने का काम केवल बेडरा यानी कि बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी करेगी। इसको लेकर विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख दिया है। बता दें कि 15 अप्रैल से बिहार की पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का काम शुरू होना है। ऐसे में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत प्रत्येक वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। बता दें कि इस योजना पर सरकार की तरफ से 2,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जानी है। इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग की तरफ जिलाधिकारियों के लिखे पत्र में कहा गया है कि सरकार के निर्देश के उलट जो जनप्रतिनिधि पंचायत में खुद से सोलर लाइट लगाने की कोशिश करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि सरकार ने यह काम बेडरा को दिया है, लेकिन यह देखने को मिलता है कि पंचायतों में जनप्रतिनिधि पंचायत की राशि से इसे लगवाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो खुद ही जो है ठेकेदार बन जाते हैं और इस तरह के कार्य करते रहते हैं। इसकी शिकायत जो है वर्तमान में भी मिलनी शुरू हो गई है, जिसे लेकर पंचायती राज विभाग ने अपनी तरफ से सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार सभी वार्ड में हाईटेक स्ट्रीट लाइट लगाने की बात कही गई है। ये लाइट 72 घंटे तक भी चार्ज नहीं हुई तब भी यह अपनी रोशनी देती रहेगी, यानी कि 3 दिनों तक इन्हें सूर्य की रोशनी की ज़रूरत नहीं है तब भी यह चलती रहेगी। बता दें कि इन लाइटों में सेंसर लगा होगा जिससे कि शाम होते ही यह लाइट जल जाएगी और सुबह की रोशनी के साथ ही यह लाइट बंद हो जाएगी। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि इसी वित्तीय साल में बिहार के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दी जाए। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद से ही बिहार सरकार ने एक प्रश्न कर ले कि पंचायतों के विकास का खाका तैयार कर लिया था। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो स्ट्रीट लाइट की बात जो है कही गई है जिससे कि गाँव को रोशन किया जा सके। हालांकि सड़कों की अगर हम बात कर लें तो पंचायतों में सड़कों को मेन लाइन से जोड़ने की मुख्य जो है लिंक सड़क को जो है मेन सड़क से जोड़ने की काम जो है वो तेज़ी से किया जा रहा है, ताकि जो है गांव भी मुख्य सड़क से जुड़ सकें और वहां भी विकास के कार्य हो सके। तो ऐसे में बिहार सरकार पंचायतों के विकास को लेकर लगातार काम कर रही है। अब नई सरकार जो बनी है कहा जा रहा है कि युवाओं की सरकार है, ऐसे में पंचायतों में विकास का काम तेज़ी से होगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।